आज है बच्चों की पार्टी और हानिया को देख लें। हानिया ने माशाल्लाह कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, तैयार हो गई है। और ये हानिया ने पिन लगाई है, लेकिन अभी मैं इसको ठीक करके लगाने वाली हूँ क्योंकि इसने ठीक से नहीं लगाई। और मुस्तफ़ा भी माशाल्लाह तैयार हो गया, मुस्तफ़ा भी जा रहा है। आज इनकी पार्टी है, बच्चे मिलके वहाँ पे क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे और घरों से चीजें बना के लाएंगे। सब बच्चे बना के जा रहे हैं। और मोना ने बनाए हैं सैंडविच, उन्होंने यहाँ पे सैंडविच बना के रखे हुए पहले से। मोना सैंडविच बना के लेके जा रही है। और हानिया आप क्या लेकर जा रही हो? हानिया चिप्स लेकर जा रही है और कप केक्स हैं। इस तरह से हानिया कुछ चीजें लेकर जा रही है। और तमन्ना आपने क्या लेके जाना? मैंने आइसक्रीम लेके जाना। तमन्ना ने आइसक्रीम लेके जाना है। इस तरह सब बच्चे मिलके चीजें लेकर आएंगे और ये वहीं पे खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे। पार्टी हो रही है आज। और ये हानिया ने माशाल्लाह ईद वाली ड्रेस अपनी पहनी हुई है। ये बैंड यहाँ पे क्यों लगाया हुआ आपने? नहीं मम्मा, मुझे पता है बैंड। अच्छा, पर मैंने ऐसे ही लगाया, ऐसे ही लगाया हुआ। अब ठीक लग रहा है। मैंने जाओ मोनू को बुला के आओ ना, वो उठाइए सैंडविच डाले किसी शॉपर में। जाओ जल्दी से बुला के आओ। मैंने आज नाश्ता नहीं किया, उठी मैं आज थोड़ी लेट हूँ और मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही उठी फिर मैंने देखा बच्चे रेडी नहीं थे, मैं तो जल्दी जल्दी रेडी करवाया। और अभी ना मैं चाय पीने लगी हूँ, मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। तो खैर अभी मुझे कोई जरूरी काम से ना जाना है पाकिस्तानी हाउस। यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई रहते हैं उनको जो की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि शनाख्ती कार्ड वर्क की और भी जैसे उनके मसले मसाइल होते हैं, बे फॉर्म्स हो गए और काफी सारी चीजें, तो हम वहीं पर ही जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में है वो और उसका ख्याल में जद्दा में भी है। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है किस टाइम पता नहीं, वो बंद हो जाता है थोड़ी देर तक, मेरे ख्याल में बंद हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के साथ अभी मैं भी चले जाऊँ, मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा। पर मेरी मलाका भी तैयार है। मलाका सबको सलाम तो कर दो, हाय कर दो सबको। मलाका सबको सलाम बोल दो। सब आपको इतना मिस करते हैं, जब आपका व्लॉग नहीं जाता, जब कोई आपको देखता नहीं है, कहते हैं हम अपनी मुलाक को मिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ हमारे दिन का आगाज हो चुका है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, हम सबको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन या रब। तो इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग की जो भी रूटीन होगी वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। मेरी मलाक पहले से आ गई है गाड़ी में। अरे शूना बच्चा, मलाक भी जा रही है पार्टी पे। ये अपना हमारे साथ जाएगी। हाँ, ये अपना बेफॉर्म बनवाने जा रही है। मलाको जाओ अभी पार्टी एंजॉय करना इनके साथ, सबके साथ। बच्चों को छोड़ के हम आए हैं पाकिस्तानी हाउस। यहाँ पर नादरा ऑफिस पहुँचे हैं तो यहाँ पे पता चला है कि अब जो है ना ये बंद है, तो ये खुलेगा हज के बाद। और जैसे हमारा कोई जरूरी काम है, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, तो उसके लिए हमें जद्दा जाना पड़ेगा। यहाँ से अभी नहीं हो सकता, इन्होंने अभी खोलना है तकरीबन हज के बाद। हज में हमेशा ऐसे कर देते हैं, जब भी हज करीब होता है ना तो यहाँ पे पाकिस्तानी हाउस जो होता है, नादरा जो भी है, इनका सब कुछ ये सिस्टम यहाँ का बंद हो जाता है। बैठ के इतना प्यारा कुकू, यहाँ से बैठ के हवा लेते रहते हो ताज़ा ताज़ा। हाँ, बच्चों को छोड़ने के बाद हम चले गए थे पाकिस्तानी हाउस, जो कि मैंने आप सबको बताया था, लेकिन वहाँ पर भी हमारा कोई काम नहीं होता। हम घर आ गए थे, घर आए हैं, इधर बैठे हैं, रेस्ट किए हैं। तो कुछ देर बाद कॉल आई है, किसकी कॉल आई है आपको बताती हूँ। हमारा तकरीबन एक हफ्ते से प्लान चल रहा है कि हम घर चेंज करें, न्यू घर में शिफ्ट हो। तो फिर तकरीबन एक हफ्ते से मेरे हस्बैंड ने कहा हुआ था इधर उधर के, कहीं कोई अच्छा जैसे कोई हमें मिल जाए, अपार्टमेंट मिल जाए तो हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे की उसका रेंट है वो भी मुनासिब हो। खैर आज ना अभी कुछ देर पहले एक बंदे की कॉल आई है, तो उसने मेरे हस्बैंड को कहा है कि आप आ जाएं, आके आप देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वो देखने के लिए। और उसकी मेन वजह ये भी है कि अम्मी और चाचू के पाकिस्तान जाने से पहले ना अम्मी और चाचू वापस नहीं आएंगे। फिर हमने उस वक्त कहा था कि हम घर चेंज करते हैं, तो फिर अम्मी ने भी कहा था और चाचू ने भी कहा था कि नहीं हम वापस आएंगे, तो आप घर चेंज मत करें, हमने वापस आना है। इसलिए हमने क्या किया था कि आगे जो है ना और मंथ का जो है ना वो रेंट हमने पे कर दिया था कि अम्मी ने वापस आना है, चाचू ने वापस आना है। इसलिए क्योंकि ये 3 फ्लोर है, 2 रूम ऊपर है, यहाँ पे मैं हूँ, ये 2 रूम यहाँ है, 2 रूम नीचे, इस तरह से सेपरेट सेपरेट ना 3 फ्लोर है, इसलिए इसका जो रेंट है वो भी ज्यादा है। और जो मेन मसला है वो ये भी है कि जैसे इस रूम को मैंने ड्राइंग रूम बनाया है, इस रूम में जो मेहमान वगैरह आते हैं तो ये एक रूम मेरा बना हुआ है, बच्चे है मेरे कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह से जो मेरी रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होती है। मुझे जैसे एक घर होता है ना, जैसे एक फ्लोर जो होता है वो 3 रूम होते हैं, वहाँ पे 4 रूम होते हैं, ड्राइंग रूम होता है अलग से, तो उसकी जो सेटिंग है वो एक अलग से होती है, उसकी मैनेजमेंट अलग से होती है। तो इस तरह मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, ऊपर नीचे बच्चे, कभी ऊपर कभी मैं नीचे खाना बना रही हूँ, कभी मैं ऊपर खाना बना रही हूँ, कभी नीचे सो रहे हैं, कभी ऊपर सो रहे हैं। मुझे खुद भी ना ये ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं काफी टाइम से सोच रही थी। लेकिन फिर जैसे ही अम्मी वापस आई हैं, चाचू वापस आए, तो उनका जो प्लान है ना वो यही है कि जैसे इधर रहेंगे उधर रहेंगे, इस तरह से परमानेंट जैसे यहाँ पे रहने का वहाँ पे रहने का कोई पक्का वो नहीं, प्रोग्राम नहीं। कुछ टाइम वो वहाँ पे रहेंगे, कुछ टाइम वो यहाँ पे रहेंगे, इस तरह से उन्होंने कहा। फिर मैंने कहा ठीक है कि जैसे परमानेंट तो वो यहाँ पे भी नहीं रह रहे, वहाँ पे भी नहीं रह रहे, है, तो इसलिए हम कोई और जगह देख लेते हैं, कोई और घर देख लेते हैं जो हमें मुनासिब रेंट में भी मिल जाए और फ्लोर भी एक हो जहाँ पे मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ, बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, हम एक ही जगह पर हों। तो खैर ये स्टोरी थी हमारे घर ना चेंज करने की जो मैंने अभी आप सबको बताई है। तो फिलहाल मैं बस अबाया पहन के रेडी हूँ और जिस बंदे की कॉल आई है वहाँ पे जाके हम घर देखते हैं जो जैसे हमें मुनासिब लगता है। ये नहीं कि अभी हमने देख लिया तो डन हो गया, नहीं, देखेंगे जैसे 2-3 देखेंगे और फिर जैसे कोई अच्छा लगता है तो आज से मैं देखना शुरू करूंगी। जो आप सबको भी अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि कौन सा अच्छा है। रेंट भी मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी, रेंट कितना है, क्योंकि हमेशा मुझे ये भी कमेंट्स आते रहते हैं कि यहाँ की रूटीन कैसी है, यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ पे रेंट कैसे, यहाँ पे रहना कैसा है। तो यहाँ पे रहना एक्सपेंसिव है, जैसे कि टैक्सेस है हर चीज में, जाहिर है पाकिस्तान है इंडिया तो वहाँ से तो काफी फर्क है। वहाँ पे रहने के आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, यहाँ पे तो हमें रहने का भी टैक्स पे करना पड़ता है, घर के रेंट हो गए और बाकी खर्चा तो आप सब जानते हैं कि जैसे घर में होता है खर्चा। तो खैर अभी हम निकलते हैं। मलाक तो पहले से रेडी थी, खैर उसके कपड़े मैंने पहले से चेंज करवा दिए थे जब हम बाहर जा रहे थे, उसको बस अभी मैंने डायपर वगैरह चेंज करवा दिया तो निकलते हैं। और एक वजह और ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि खुला खुला जैसे ये है ना, अच्छा इसको इस मकान को छोड़ने की एक और वजह ये भी है कि ये बेल्कनी है और यहाँ से जैसे फ्रेश मैं अक्सर मैं जब नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, यहाँ पे बैठ के यहीं पे बिल्कुल बेल्कनी के साथ बैठ के ना यहाँ पे मैं दरवाजा खोल के बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक मेरा ये भी है कि यहाँ पे भी हम घर लेना तो वहाँ पे बेल्कनी जरूर हो कि हवा का कोई आना जाना हो, ये ना हो कि बंद बिल्कुल ना हो। मेरे बच्चे को नींदें आ रही है। हाँ मलाक को चलें बाहर चलें, मम्मा क्या कह रही है आपको, बाहर चलें हम? हाँ चलना है, मलाक घर देखने जा रही है, मलाक का अलग से रूम होगा है ना। छोटी सी जान है मेरी छोटी सी। क्या था, गाड़ी खुली हुई थी? बताए मुझे, जैसे बता रहे थे ना सीरियस में वैसे बताए मुझे। अभी आप चुप क्यों हो गए हैं कैमरा देख के, मोबाइल देख के ना? ये सच में ना ये बंदा चुप हो जाता है, तो बताता नहीं है। मेरा बच्चा क्या कह रही है, मेरा सोना बच्चा, इधर देखो मलाको, इधर तो देखो, इधर देखो तो सही, क्या हो रहा है ये? बाकी आंखें नहीं खुल रही धूप पे। सैंडविच नहीं खाए? नहीं मजरे नहीं जा रहे हम कहीं और जा रहे हैं। हाँ। हम जा रहे हैं घर देखने के लिए। सच्ची में? हाँ सच्ची। घर ले चले पहले चले। हाँ हम भी जा रहे हैं वैसे घर देखने के लिए, फिर मैंने सोचा चलो आप भी साथ चलो, आप भी देख लो। मम्मा किधर वाले हैं? ये आपके पापा को पता है, किसी ने कॉल किया आपके पापा को कि आ जाएं और घर देख लें। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके जाऊँ। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए नहीं घर रहे, हर साल नया घर चाहिए है। क्या ये क्या लेकर आई है तमन्ना मेरे लिए? आइसक्रीम है ये, बिस्किट है ये, आइसक्रीम वाला वो सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच है। अच्छा यहाँ पे एजुकेटेड बंदा बैठा है। पापा मम्मा पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं है पढ़ी लिखी, पापा से ज्यादा पढ़ी लिखी। अम्मा कहती है कि तुम्हारी माँ को मैं पढ़ाती थी। अभी तक तो हम जा रहे हैं और जा ही रहे हैं। फाइनल जो लोकेशन है वहाँ पे हमने जाके घर देखना है, अभी तक हम वहाँ पर पहुँचे नहीं और लगता है ये मस्जिद नबी से ना काफी दूर है। हमारा जब भी दिल चाहता था ना, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते तो हम उठ के मस्जिद नबी चले जाते थे, लेकिन ये जगह इतनी दूर है ना, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि अब हम जाके डन कर देंगे, पहले हम जाके देखें तो सही हमें पसंद आता है। हाँ अगर पसंद आए तो फिर हम फाइनल करेंगे। अभी हम फाइनल लोकेशन पे पहुँच गए हैं, इस साइड पे शायद, लेकिन बंदे को हम कॉल कर रहे हैं जिस बंदे ने हमें दिखाना है, तो अभी वो ना फोन ही नहीं उठा रहा है। तो घर के सामने बकाला है, दुआ मांगे। आनिया को खाने पीने का तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा है ना, यहाँ से दूध भी मिल जाएगा, मम्मी की चाय भी हो जाएगी। तो अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद वो फोन हमारा उठा ले तो उसके बाद देखते हैं। अगर नहीं, तकरीबन 10 मिनट तक देखते हैं, अगर नहीं फोन उठाता तो फिर हम घर जाते हैं, क्योंकि आज अम्मी और चाचू उमरा पर भी जा रहे हैं। तो आखिरकार काफी वेट करने के बाद ना हम जा रहे हैं घर। तो अभी हम जा रहे हैं घर, बस हम घर नहीं देख सके और ना ही बंदे ने फोन उठाया तो इसलिए हमारा काम हुआ नहीं, जो कि मैं बहुत खुश होकर आई थी कि हमारा जो घर है तो फाइनली वो चेंज होने वाले, हम न्यू घर में शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अरे अभी हमें देखना था, वो डन तो नहीं हो जाना था, कुछ देखेंगे, 1-2 घर देखेंगे तो फिर जाके हमारा काम बनेगा, कोई प्लान बनेगा कि घर कैसा है, रेंट कैसे, जैसे हमें मुनासिब लगेगा। बच्चे भी बहुत खुश होकर आए हैं, बच्चों को मैं इसलिए लेकर आई थी कि बच्चे भी हमारे साथ देख कर खुश होंगे, लेकिन बस नहीं, 2-3 दिन से इन्होंने रट लगाई कि हम फार्म हाउस से, अभी गर्मी है 1-2 दिनों तक चलेंगे। मलाक मेरा बच्चा ये हेयर बैंड कैसे पहन लिया मलाक ने? मैंने अपना हेयर बैंड उतार के मलाक को पहना दिया। मलाक को इधर देखो, कहाँ जा रही मेरी बच्ची? हाँ इसे कोई पकड़ ले, मुझसे ले ले। किसके पास जाना है आपने। जैसे ही घर आए ना अम्मी ने देखे मीठी रोटी बनाई हुई है। अम्मी और चाचू जा रहे हैं उम्रे पे, तो साथ में मीठी रोटी बना के लेकर जा रहे हैं अपने साथ, और हमारे लिए भी बना दी। मैंने यहाँ से खाई है, बहुत ही ज्यादा मजे की बनी हुई है। और अम्मी कह रहे कि दूध के साथ खाओ तो और भी ज्यादा मजे की लगती है। अम्मी ने ये रोटी बनाई है नॉर्मल आटे से, इसमें डाले हैं सौंफ इलायची, क्योंकि बहुत ही मजे की इनकी जो खुशबू है, इनका जायका है ना, बहुत ज्यादा जबरदस्त बनी है। लेकिन अभी मैंने इसे दूध के साथ ट्राई नहीं किया। सौंफ इलायची के अलावा इसमें अम्मी ने डाला है गुड़, और गुड़ वाली रोटी तो वैसे भी अच्छी होती है। अच्छा भाई, चलो अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। इन सब के लिए बहुत सारी इंशाल्लाह, मेरे लिए भी, सबके लिए। मोना ने बनाया है सबके लिए यहाँ पे जबरदस्त और मजेदार सा पिज्जा, जो कि दिखने में देखें बहुत ही ज्यादा लग रहा है, स्पाइसी और यमी मोना बना के आई है। और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली। अच्छा थोड़ा सा ना मैंने यहाँ से चेक किया, बहुत ही ज्यादा मोना ने स्पाइसी बनाया है, जिस तरह से चटपटी चीजें बनाते हैं। ये वाला मैंने नहीं चेक किया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा चेक किया। मुस्तफा भी इसी इंतजार में इसे कोई कट करके दे, तो मना ने कट करके खा लिया। पहले एक पीस मोना ने खा लिए। वहाँ जहानी और मुस्तफा को ये वाला काट के देंगे। अच्छा ये वाला, ये स्पाइसी नहीं है ज्यादा, तो ये वाला यहाँ से मैं मुस्तफ़ा और हानिया को कट करके देती हूँ, और यहाँ से मैं खुद खाती हूँ। हानिया जाओ आप अपने पापा को बुला के आओ। कल मैं जिन सब्सक्राइबर से मिली थी, जो कि मैंने आप सबको बताया कि वो कराची से आई हुई है, हफ्सा वजाहत उनका नेम था, हफ्सा वजाहत कलेक्शन के नाम से इंस्टा पे उनका पेज है। उनकी तरफ से हमें ये कुछ गिफ्ट यानी ड्रेसेज रिसीव हुए हैं, जो की मैं अभी आप सबको इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ, और डिस्क्रिप्शन में इनका मैं साथ लिंक भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं जैसे इनको अनबॉक्स करूंगी, मुझे पता चल जाएगा की इनका स्टफ कैसा है, वो भी मैं साथ आपको बताती चलूंगी। तो पहले हम ये वाली जो ड्रेस है इसको ओपन करने लगे हैं। तो बाहर से आप सब देख सकते हैं कि ड्रेस बहुत प्यारी, कलर भी इसका प्यारा है। अभी इसको ओपन करके आप भी देखें और मैं भी देखती हूँ। तो ये ड्रेसेस जो हमें रिसीव हुए ना, ये है अनस्टिच, ठीक है। और इसके अलावा ये है समर कलेक्शन। स्टफ इनका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ लगाने से फील हो रहा है कि बहुत अच्छा है। अच्छा तो ये रहा इस सूट का जो फ्रंट है वो है, और ये गला है, ये देखिए नीचे जो दामन है, कलर इसका प्यारा है, और इसके ऊपर जो हल्का सा जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो भी बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ ये इसके साथ ये देखें ये दुपट्टा है प्रिंटेड, ये रहा इसका दुपट्टा, और ये सिंपल में है इसकी शलवार। इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरह से होगा। फर्स्ट हमारा हो गया, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड ड्रेस। इसकी भी आप बाहर से पिक्चर देख लें कि ये कुछ इस तरह से होगा। ये रहा दूसरा ड्रेस, इसके ऊपर जो काम है वो भी खूबसूरत है, सिंपल है, स्टफ मैं दोबारा से कह रही हूँ इनका बहुत अच्छा है। इसके जो बैक साइड है ना वो भी बहुत प्यारा है, इसका प्रिंट बैक से बहुत खूबसूरत है। ये इसकी बैक साइड है, प्यारा है ना, बहुत ज्यादा प्यारा है। पहले वाले से ये वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, पहले वाले से। अब वो भी प्यारा है, ये कलर में ज्यादा प्यारा है, ये कलर भी वो है ना थोड़ा तेज कलर है। ये इसके स्लीव्स हैं। तो इस खूबसूरत ड्रेस की ये एक सिंपल सा ट्राउजर है इसका, इसके अलावा ये इसका प्रिंटेड दुपट्टा है, ये भी बहुत प्यारा है, कलर ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये पिक्चर आप देखें तो पिक्चर से अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी बैक साइड है वो भी आ रही है, और फ्रंट दोनों साइड से। तो ये बैक साइड इसकी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है कि बैक साइड से जो इसका प्रिंट है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये रही तीसरी ड्रेस हमारी तीसरी ड्रेस। अच्छा ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसका कलर जो है ना वो खूबसूरत है, इसके ऊपर काम वगैरह कुछ नहीं है, एम्ब्रॉयडरी वर्क कुछ भी नहीं है। तो ये शर्ट का कपड़ा है, ये शलवार हो गई, और ये रहा दुपट्टा, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, सिंपल सा है। जब ये स्टिच होगा ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक देगा। ये लग रहा है कि कलर प्यारा है, ब्लैक कलर वैसे होता भी खूबसूरत है। तो ये रही हमारी लास्ट ड्रेस, जो की बहुत ही खूबसूरत है, रेड कलर में है, और ये थोड़ा फैंसी टाइप की ड्रेस है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि लास्ट में ये मैं आप सबको दिखाऊंगी। अच्छा तो ये रहा शर्ट का कपड़ा, और साथ में इन्होंने दिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये देखें ये जो है ये गला बना हुआ है, साथ में बहुत ही खूबसूरत है, ये कलर भी इसका बहुत प्यारा है। तो साथ में ये भी इन्होंने दिया हुआ है, ये शायद दामन पे भी लगेगा और स्लीव्स पे भी लगेगा। ये शर्ट की बैक साइड है, और ये रहा उसका ट्राउजर का कपड़ा। इसके अलावा देखें दुपट्टा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, दुपट्टे पे जो वर्क है ना बहुत ज्यादा प्यारा है, और कलर भी इसका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। थोड़ा फैंसी टाइप में आ रहा है लेकिन है बहुत प्यारा, इसका काम भी बहुत प्यारा है, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। पहले भी मैं आप सबको बता रही थी कि जैसे जैसे मैं ड्रेसेस देखती हूँ तो मैं आप सबको बताऊंगी कि इनका जो स्टफ है वो कैसे है। तो माशाल्लाह इनका स्टफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये वही लेडी है हाफसा वजहा जिनसे मैं मिली थी। मेरी लास्ट वीडियो में आप सबने देखा है कि मैं उनसे मिली हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी थी वो माशाल्लाह। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगा। तो ये वो हमारे लिए गिफ्ट लाई थी, तो मैंने कहा कि ये दिखाना जरूरी है कि वो इतने दूर से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई है। उनके दो चैनल है, एक उनका व्लॉगिंग का चैनल है और सेकंड जो है उनका ड्रेसिंग का चैनल। तो दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनका जो व्लॉगिंग का चैनल है वो हाफसा वजाहत व्लॉग्स के नाम से है, और इनका जो ड्रेसिंग का है वो है हाफसा कलेक्शन के नेम से इस तरह से है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप सब विजिट कर सकते हैं। हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।